हाँ तो स्वागत है देवेन सजनों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रोनाल्डो पेलो ब्राजील फर्स्ट लुक गेम प्ले। तो वीडियो काफ़ी औसम होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस इस गेम की भाषा आपको समझ में नहीं आएगी, मेरे भी नहीं आ रही है, तो आपको क्या आएगी। तो इसमें आपको काफ़ी प्रकार की बसेस मिल जाती है जिसे आप ड्राइव कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको तीन या चार बस अनलॉक मिलेगी जिसमें आप किसी बस को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे ड्राइव कर सकते हैं। तो अभी हम इस बस को सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या पता नहीं मेरे को क्यों भाषा समझ नहीं आ रही, तो कुछ पता नहीं है। और यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रकार के मैप मिल जाते हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया मैप यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अभी हम ऑफ रोडिंग वाला मैप सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये हमारा कुछ मैप है, और ये हमारी बस है, और ये हम हैं। हाँ तो अभी हम यहाँ पर बस में मतलब लोगों को बस में बिठाते हैं, और यहाँ पर आ गया था, यहाँ पर हम मतलब आगे जाने वाले जहाँ पर हमें जाना है वहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं जगह। आई होप कि गाइस जिस भाषा का मैं प्रयोग कर रहा हूँ वो भाषा आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे सचूल में हुई है, और वो सचूल काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी क्योंकि मैं हमेशा सचूल में लिफ्ट से ऊपर जाता था। एक दिन मैं सीढ़ियों से चला गया था तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, तब मेरे को पता चली मेरी सचूल काफ़ी ज़्यादा ऊंची है। मैं मेरे सचूल में सबसे ऊपर बैठता था, मतलब कि डागला पे छत पे, दोनों अलग अलग होते हैं। तभी मेरी जो पढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंची हुई थी, और यहाँ पर आप मेरी पढ़ाई का परिणाम भी देख सकते हैं। मैं हाई लेवल की भाषा का प्रयोग करता हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा कम समझ में आती है। आई होप आप समझ गए होंगे। छोड़िए इन बातों में क्या रखा है, हम भी बाहर की दुनिया में चले जाते हैं। अभी हम गेम के अंदर आ जाते हैं, फिर गेम पर फोकस करते हैं। तो इस गेम में आपको कुल मिला के चार प्रकार के कैमरा एंगल मिलते हैं, चारों ही काफ़ी धमाकेदार है। और इस गेम में आप अपनी ड्राइवर सीट को एडजस्ट भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट यहाँ पर कर सकते हैं आप, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पर आपको अच्छी खासी ग्राफिक्स मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पर अच्छा खासा नेचुरल ट्रैफिक भी मिल जाता है, और नेचुरल रूट भी मिल जाते हैं, नेचुरल बस भी मिल जाती है, और हम भी नेचुरली पूरी तरीके से नेचुरल पैदा हुए थे, नेचुरल खाते पीते हैं, नेचुरल जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा खासा ट्रैफिक आपको मिल जाता है, अच्छे खासे रूट्स मिल जाते हैं, ऑफ रोड रूट्स और हाईवे वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप हमारी बस को देख सकते हैं, पीछे काफ़ी ज़्यादा डस्ट भी उड़ रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा नेचुरल और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हमेशा अच्छी लगती है, कभी कभी नहीं लगती। और यहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक रूट्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं जैसे ऑफ रोड में, तो आपको फुली मज़ा आने वाला है इस गेम में, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे ख़तरनाक रूट्स यहाँ पर आपको मिलेंगे जिससे आप इंजॉय कर पाएंगे गेम को। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फ़ोटो का ऑप्शन मिलता है, और भी ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है, तो अभी हम आगे वीडियो में बताएंगे, तो हमारे साथ बनी रहिए। और यहाँ पर एक दिक्कत इस गेम में है कि जैसे आपको मतलब ऊपर चढ़ना होता है तो हमारी बस काफ़ी ज़्यादा धीरे हो जाती है, और कभी कभी चढ़ती नहीं है, तो ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकल समस्या है, जल्दी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर आपको मौसम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर रात हो गई, अब बारिश आ गई, और यहाँ पर आपको दिन में भी बारिश ला सकते हैं, तो बारिश का मौसम भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेचुरल, काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़तरनाक वाला है। और यहाँ पर भी डस्ट उड़ रही है, वैसे उड़नी तो नहीं, उड़ सकते हैं, उड़नी चाहिए, सही है। यहाँ पर आपको वाइपर भी अच्छे खासे मिल जाते हैं जो कांच को बिल्कुल साफ़ कर देते हैं। अभी हम दिन ही कर लेते हैं, दिन ठीक अच्छा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिज क्रॉसिंग आ गई है, तो आधा ब्रिज पानी में, आधा ऊपर, आधा नीचे, मतलब आधा पानी में, आधा पानी के बाहर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वाटर की क्वालिटी वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। तो पर्सनली ये गेम तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा। तो चलिए इस गेम के अन्य फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर इस गेम के हम जो वो सामान रखते हैं वो भी ओपन कर सकते हैं नीचे, और दरवाज़ा वगैरह ओपन कर सकते हैं, आम बात है हर गेम में। तो यहाँ पर आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, लेकिन मैं चलाऊँगा नहीं क्योंकि चला ही नहीं है। और यहाँ पर आपको GPS ट्रैकर वगैरह भी मिल जाता है जो आपको बता देता है आपकी दिशा कहाँ पर, आपको कहाँ पर जाना है, कहाँ पर नहीं जाना, आप सही जा रहे हैं या रॉन्ग वे पर जा रहे हैं, सब कुछ बता देता है आपको। तो इतने सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, गियर वगैरह भी मिल जाते हैं, लेकिन मेरे कभी समझ में नहीं आया कैसे गियर काम करता है, क्योंकि जब मैंने गियर ऑप्शन ऑन किया तो बस चली नहीं आगे, एक जगह रुक गई, तो मैंने इसे वापस बंद कर दिया। अगर आप इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस गेम का डाउनलोड लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड इजीली कर पाएंगे। तो चलिए आज के ज्ञान की बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने ज्ञान की बात नहीं की थी,
तो आज के ज्ञान की बात यह है कि अगर आपको कभी भी कोई लड़की ऐसा कहे कि मैं अभी बिजी हो गई हूँ, तो उसका कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि भाड़ में जाओ तुम। हाँ तो गाइस, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पुराने बन जाइए।